हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन सारथी संस्था एवं क्षेत्र के युवा संगठनों ने क्षेत्र को TSP में शामिल करने की मांग को लेकर रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। रेवदा क्षेत्र को जनजाति उपयोग जन TSP क्षेत्र में शामिल करने की मांग को लेकर तहसील भर के युवा लोगों ने उपखंड अधिकारी रामजी भाई कलबी को, राज्यपाल कलराज मिश्र को जीवन सारथी संस्था के बैनर तले ज्ञापन सौंप कर मांग की। ज्ञापन में सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत मेघवाल ने बताया कि रेवदर तहसील में आदिवासी बाहुल्यता है एवं कहीं गांव ही 100% आदिवासी बाहुल्य है। वहीं क्षेत्र को शैक्षणिक स्तर भी काफी निम्न है, जिसे लोगों का सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व न के बराबर है। वहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर होने के साथ ही लोगों में जागरूकता में कमी के कारण TSP में शामिल होने की मांग आज तक प्रभावी तरीके से उठाई नहीं गई है। आजादी के 70 वर्ष होने पर भी क्षेत्र और तहसील के लोग मुख्य धारा से वंचित हैं, इसलिए युवा लोगों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर जनजाति उपयोजना में तहसील को शामिल करने की मांग उठाई। कस्बे के निजी होटल रिवर व्यू से युवा लोग रैली निकालते हुए SDM कार्यालय पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जीवन साथी संस्था के सचिव हरीश लोहार, पूर्व जिला परिषद सदस्य विरमा राम राणा, दशरथ सोनी, प्रवीण लोहार, विक्रम मेघवाल, कांतिलाल कोहली, जोरा राम कोहली, राहुल जोशी, हितेश दहिया, महेश बढ़िया, मनीष राव, राकेश अग्रवाल, तपन जैन, प्रभुलाल मारोल, भैरा राम उपस्थित थे। जागरूक टीवी की नगाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।